कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने और सूरत की अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बता दें, राहुल को सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्हें जल्द ही जमानत मिल गई। अदालत का फैसला आने के 24 घंटे के अंदर ही राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। अब इसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने अडानी मामले में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए उन्हें जानबूझकर इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आज इसी को लेकर देश भर में कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन करने का फैसला लिया है। ये आंदोलन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। वही कांग्रेस के इस आंदोलन से पहले दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई। पुलिस का कहना है कि इस आंदोलन के लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने परमिशन न देने के पीछे धारा 144 लागू होने के साथ ही कानून व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल वजह बताई है। पुलिस की ओर से कहा गया कि हमें अंदेशा था कि यहां लोग एकत्र होंगे, मसलन एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं अब कांग्रेस राजघाट के सामने गांधी दर्शन स्मारक के बाहर ही प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसद में हमारी आवाज को खामोश करने के बाद सरकार ने हमें बापू की समाधि पर भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। विपक्ष के हर विरोध को नकारना मोदी सरकार की आदत बन गई है, इससे हम डिगे नहीं। सत्य के लिए अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की खबर के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।